अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू के लिए हमने परचेस किया है मीवी के डुओपोर्ट D4 फ्लिपकार्ट से, करते हैं इसको अनबॉक्स। तो बॉक्स आपको यहाँ पे देखने को मिलता है जिसपे ग्रीन एंड व्हाइट कलर का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। एयरफोन सामने देखने मिल जाएंगे, कुछ की फीचर्स केस के बैक पे लिखी हुई है। देन अगर अनबॉक्सिंग पार्ट की बात करें, क्या क्या बॉक्स कंटेंट आपको मिलता है, तो मेनली 2 बुकलेट आपको देखने मिलेगी, एक यूजर मैनुअल है एंड एक वेलकम कार्ड है मीवी की ओर से। देन चार्जिंग केबल के साथ 2 पेयर ऑफ एक्स्ट्रा एयर टिप्स अलग से पैक यहाँ पे है। मेन प्रोडक्ट की बात करते हैं भाई, ये जो चार्जिंग केस है वेबसाइट पे काफी स्मॉल दिख रहा है, तो कॉम्पैक्ट दिख रहा है, बट एक्चुअल में उतना कॉम्पैक्ट नहीं है। थोड़ा सा बड़ा वाला केस यहाँ पे आपको देखने मिल जाता है, मीवी की ब्रांडिंग आपको यहाँ पे ऊपर देखने मिलती है। और डिटेल की बात करें तो भाई, जो पूरा का पूरा जो मटेरियल यूज हुआ है वो है यहाँ पे मैट फिनिश वाला, एंड मीवी की ब्रांडिंग ग्लोसी में दी गई है। साइड से जो लाइनिंग है वहां पे भी ग्लोसी कट है, एंड सामने की तरफ 4 LED इंडिकेटर, पीछे की तरफ एक चार्जिंग पोर्ट टाइप से वाला देखने मिलता है। इन सेक्शन लूज है यहाँ पे डेफिनेटली आपको देखने मिलेगा। जहां तक ईयरफोन्स की बात है, काफी बड़े वाले स्टैम्प शेप आपको यहाँ पे देखने मिलते हैं, राइट लेफ्ट का इनिशिएशन आपको देखने मिल जाएगा, टच सेंसर ऊपर की तरफ यहाँ पे है, एंड इन ईयर डिजाइन वाले ईयरफोन्स है जिनकी केस में फिटिंग भी काफी अच्छे हैं, इवन तो आपके ईयर में भी काफी अच्छी तरह से ये फिट हो जाएंगे। तो आप रनिंग जॉगिंग के टाइम पे इनको यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये है IPX4 स्वेट रेजिस्टेंट, विच मीन हल्का फुल्का स्वेट कोई दिक्कत क्रिएट नहीं करेगा, एंड काफी अच्छी तरह से आपके ईयरफोन्स आपके कान में सिक्योरली फिट हो जाएंगे। टाइट सिक्योर फिटिंग आपको मिलती है, चेंज करना चाहिए एयरटेप्स भी चेंज कर सकते हैं, वो एक एडिशनल ऑप्शन आपको मिल जाता है। कनेक्टिविटी के लिए लेटेस्ट 5.3 दिया गया, एंड डुअल पेयरिंग का भी सपोर्ट है यहाँ पे। लकीली 100,000 rupees आपको ये सब फीचर मिलते हैं, कोई भी फास्ट पेयरिंग नहीं है, मैनुअल पेयरिंग प्रोसेस आपको करना पड़ेगा, चाहे एंड्रॉइड के साथ कनेक्ट करें चाहे iOS के साथ। लेट से बाहर निकालने के बाद दोनों ईयरफोन्स आपके स्मार्टफोन से एक ही बार में कनेक्ट हो जाएंगे बिना कोई दिक्कत परेशानी के, एंड 10 से 15 मीटर की आराम से आप रेंज यहाँ पे अचीव कर सकते हैं बिना कोई दिक्कत के, डिस्टॉर्शन नहीं आएगा इन बिटवीन टाइम। ओवरऑल साउंड क्वालिटी कैसी है, क्या आपको यहाँ पे बेटर मिलता है, क्या बेटर नहीं मिलता है, तो 13mm के साउंड ड्राइवर्स आपको यहाँ पे देखने मिलते हैं, जो कि यार मैं अगर आउटपुट आपको बताऊं तो बेस काफी अच्छा है, बेस पे काम किया गया, बट एक्चुअल जो वॉइस क्लैरिटी है वो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे मिस आपको मिलने वाली है। एंड इवन दो 100% वॉल्यूम आप यूज करें तो वो वॉल्यूम आप लोग के लिए मे बी सफिशियंट ना हो, तो वो चीज डेफिनेटली यहाँ पे मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा। तो वॉल्यूम इज बिलो एवरेज, क्योंकि 1000 rupees पे भी मैंने इससे बेटर ईयरफोन्स देखे जो कि बेटर आउटपुट आपको दे सकते हैं। बाकी क्या क्या टच कंट्रोल्स आपको मिलता है, तो सारे टच कंट्रोल यहाँ पे अवेलेबल हैं। सिंगल टैप म्यूजिक, प्ले एंड पॉज, डबल टैप से आप म्यूजिक को चेंज कर सकते हैं, नेक्स्ट एंड प्रीवियस पे जा सकते हैं। लॉन्ग प्रेस एंड होल्ड करेंगे तो आपके ईयरफोन्स की जो वॉल्यूम है वो यहाँ पे इंक्रीज एंड डिक्रीज हो जाएगी। ट्रिपल टैप से आप गेम मोड एक्टिवेट कर सकते हैं, साथ साथ जो है वॉइस असिस्टेंट एक्टिवेट कर सकते हैं। तो गेमिंग के लिए यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं, लो लेटेंसी कोई भी कमेंट नहीं है नंबर्स वाइज कि इतनी लो लेटेंसी आपको देखने मिलती है, बट मैंने टेस्ट आउट किया था इन गेम एंड लेटेंसी आपको काफी मिनिमल ही देखने मिलती है। लाइक अगर आप गेम वगैरह खेलना चाहें तो खेल सकते हैं, कैजुअल गेमिंग के लिए सुटेबल रहेंगे, बट नॉट फॉर प्रोफेशनल ऑफ कोर्स। ओके, अब जो लास्ट पोर्शन यहाँ पे आ जाता है वो है इनका माइक्रोफोन। 1000 rupees पे एक माइक्रोफोन सबसे बड़ा कंसर्न होता है, क्या अच्छा निकलेगा आउटडोर में टेस्ट करके देख। तो गाइस अभी जो साउंड है ये माइक्रोफोन रिकॉर्ड हो रही है, ये है मीवी के डुओपोर्ट D4 एक्चुअली, जो कि 899 rupees पे फ्लिपकार्ट पे लॉन्च हुए थे। लिंक दे रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में, अगर माइक्रोफोन पसंद आ रहा है, क्योंकि AI ENC वाला ही माइक्रोफोन अंडर 1000 rupees, तो आप मेरे को बता सकते, बेसिकली आउटडोर में हूँ उतना नॉइसी नहीं है अभी के लिए, लाइक मच और लेस इट्स ओके। तो भाई आउटडोर माइक्रोफोन परफॉर्मेंस भी मेरे को काफी इंप्रेसिव लगी, कंसीडरिंग 1000 rupees, दीज आर सर्टेनली नॉट द बेस्ट बट नॉट द वर्स्ट एज वेल, लाइक एवरी साइड मैं बोल सकता हूँ। अभी की जो मार्केट चल रही है इस टाइप के ही आपको माइक्रोफोन देखने मिलते हैं अंडर 1000 rupees, एंड ईयरफोन्स काफी अच्छे माइक्रोफोन के लिहाज से। बैटरी बैकअप यहाँ पे 50 hours का विद द चार्जिंग केस, एंड सिंगल टाइम चार्जिंग के बाद अगर मैं बात करूँ तो करीबन 6 से 7 घंटा बैटरी बैकअप आप अचीव कर सकते हैं, विच इज गुड नंबर इन टर्म्स ऑफ एवरेज यूजेज, एंड इतना को लंबा यूज भी नहीं करता। एंड नॉर्मल यूजर के प्रस्पेक्टिव से बात करूँ 35 से 40 घंटे आप अचीव कर सकते हैं बिना कोई दिक्कत परेशानी, करीबन 1 हफ्ते की आपकी ट्रिप को इजिली सपोर्ट कर देंगे। लो बजट ईयरफोन से जहाँ पे आपका मेन फोकस मैं बोलूंगा म्यूजिक नहीं है, बैटरी बैकअप आप इसको कंसिडर करके चलिए, क्योंकि म्यूजिक आउटपुट उतनी अच्छी नहीं थी। तो आ जाते हैं कंक्लूजन वाइज, तो गाइस ईयरफोन्स की बिल्ड क्वालिटी एवरेज साइड है, बेस काफी अच्छा, बट म्यूजिक की जो क्लैरिटी है वो यहाँ पे मिसिंग है, सो म्यूजिक बिलो एवरेज है, बैटरी बैकअप अबो एवरेज आपको देखने मिलेगा। बाकी फीचर्स लाइक
कॉलिंग एंड आईपी रेटिंग एंड अदर एडिशनल फीचर्स इज ओके। तो गाइस आप कंसिडर कर सकते हैं भाई आपको बैटरी बैकअप वाला ईयरफोन चाहिए या फिर बढ़िया साउंड क्वालिटी वाला अगर चाहिए, रिकमेंडेशन लिस्ट में दे दूंगा आप लोग को, नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।